नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को डिफेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जैसा कि कुछ इजराइल ने अभी कर दिखाया है। दरअसल अभी क्या हुआ है कि इजराइल के पास एक है एरो डिफेंस सिस्टम। उसने कुछ ऐसा कारनामा किया है कि भारत को भी उससे सीख लेनी पड़ेगी और कुछ वैसे ही अपने आप ही करवाना पड़ेगा। जैसा हालांकि भारत के पास भी एक प्रोजेक्ट अभी BMD नाम से चल रहा है। आइए समझाता हूँ दोस्तों कि पूरी न्यूज आखिर है क्या। दोस्तों, दरअसल इसराइल के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो डिफेंस सिस्टम। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये इतना ताकतवर डिफेंस सिस्टम है कि इसने पूरी तरह को से इसराइल को सुरक्षित करके रखा हुआ है। अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा है कुछ टाइम पहले ही ईरान ने ज़बरदस्त हमले किए इसराइल के ऊपर, लेकिन इसराइल का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है और पूरी तरह से वो बच गया और ईरान को बड़ी शर्मिंदगी सहनी पड़ी इस चीज़ को लेकर के। दरअसल दोस्तों ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बराबर अपने आप को प्रूव करता रहता है। अभी जैसे ईरान के सामने इसने अपने आप को प्रूव किया है कि ये बेस्ट है, ऐसे ही दोस्तों जब हमास और हिजबुल्ला की तरफ से भी हमले होते हैं तब भी इसराइल पूरी तरह से बच जाता है। वो चाहे तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम इसको यूज़ करे या आयरन डोम को यूज़ करे, लेकिन इसराइल का नुकसान नहीं होता है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि USA जिसकी अपना बजट जो डिफेंस का है वो करीब $900 बिलियन का है, इतना बड़ा बजट कि इंडिया के रक्षा बजट से अगर कंपेयर करें तो करीब 12 गुना ज़्यादा है। USA तक अपने शहरों में, अपनी राजधानी में ये इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है, एयरो डिफेंस सिस्टम, इसको लगाने की सोच रहा है। अच्छा दोस्तों, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि USA सोच रहा है उसको लगाने के लिए? अच्छा तो है, इसलिए सोच रहा है, लेकिन क्या उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है USA के पास? USA के पास तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि ये जो एयरो डिफेंस सिस्टम है ये USA की ही टेक्नोलॉजी है और साथ में इसने इसराइल के ये डेवलप किया है। ये डेवलप किया गया है इसराइल में ही। अभी ये सुरक्षा पूरी तरह से इसराइल की कर रहा है। इसमें पैसा भी जो लगा है ये पैसा इसराइल का भी है और जो अमेरिका की कंपनी है डिफेंस की, इन्होंने भी पैसा लगाया हुआ है। अभी ऐसा समझ लीजिए कि अगर इसराइल इस एयर डिफेंस सिस्टम को अगर किसी को बेचना चाहे तो वो ऐसे नहीं बेच सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिकी संसद की परमिशन लगेगी। जब वो अप्रूव करेंगे तब ये किसी और देश को बेचा जा सकता है। ये दोस्तों आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका इसको अपने डिफेंस के लिए यूज करने वाला है। दोस्तों इसराइल तो पूरी तरह से सुरक्षित है, तो क्या भारत भी ऐसा ही कुछ सुरक्षित है? दोस्तों हालाँकि अभी भारत के ऊपर ऐसा किसी ने अटैक तो नहीं किया है, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि वाकई हम सुरक्षित हैं भी या नहीं। दोस्तों हालांकि हमारा भी एक प्रोजेक्ट है BMD के नाम से, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये अपने जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तब ये, जब ये कमीशन हो जाएगा और सभी जगह लगा दिया जाएगा हमें डिफेंस के लिए, तब पता लगेगा कि ये अपना रिजल्ट क्या दे रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आज की बात करते हैं तो आज की टाइम पर भारत को एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसा कि एरो डिफेंस सिस्टम है इस तरह से। बाकी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास भी हैं, अभी जैसे हमने रशिया से S-400 ख़रीदा हुआ है, वो भी एक डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हमें ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो S-400 को भी मात दे सके, S-500 को भी मात दे सके। जबकि एरो डिफेंस सिस्टम है, इसने इस चीज़ को प्रूव किया है कि इसने मात दिया है S-400, S-500 को भी। तो दोस्तों भारत की सरकार को ये चाहिए कि भारत की सरकार कैसे भी करके अमेरिका को समझाए और इसराइल से इसको परचेज़ करे, भले ही बहुत ही सीमित संख्याओं में परचेज़ करे, जिससे कि हम अपनी कुछ प्रमुख शहर हैं जिनको हमें बचाना चाहिए, जो देश की राजधानी है उसको बचाना चाहिए, वहाँ पे ये सब तैनात करने चाहिए। जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इस तरह के सिटीज़ को हमें डिफेंस के लिए एरो डिफेंस सिस्टम के जैसे ही चीज़ों को लगा कर रखना चाहिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को पूरी तरह से सुरक्षित कर पाएँ। दोस्तों सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, आप अटैकिंग उतने हो या ना हो, लेकिन डिफेंस आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि डिफेंस स्ट्रांग होगा तो आप सुरक्षित होगे।
अटैक में क्या होता है कि आप दूसरे के ऊपर अटैक करते हो, और अटैक सही हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सामने वाले ने अगर अटैक किया और अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है तब तो आप बर्बाद हो गए। तो इसलिए दोस्तों भारत को चाहिए कि इसको भी हम ख़रीदें और अपनी सुरक्षा में इसको और इजाफा करें जिससे और बढ़े। दोस्तों अब देखते हैं कि इससे इसमें और क्या डेवलपमेंट होती है भारत के लिए, कुछ इसमें अच्छी न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।